तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो आज बहुत ही स्पेशल वीडियो हम लोग यहां पे कंपैरिजन करेंगे WCC3 जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है वर्सेस रियल क्रिकेट 20 जो कि ऑलरेडी जो है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है। तो ये कंपैरिजन बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग होने वाला, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही यूजफुल आप लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कंपैरिजन का सबसे पहला पॉइंट जो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया वो दोस्तों वो है ग्राफिक्स का। तो ग्राफिक्स के मामले में दोस्तों रियल क्रिकेट 20 हमेशा से पीछे रहा है WCC2 से, और जबकि नेक्स्ट मल्टीमीडिया ही जो है WCC3 बना रही है जिसने WCC2 को ऑलरेडी बना रखा है। तो ऐसे में WCC3 में बहुत अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं। जो भी हमने वीडियोस देखे हैं ग्राफिक्स के WCC3 के, उसमें लग रहा है कि काफी अच्छे ग्राफिक्स इन लोगों ने यहाँ पे रखे हैं गेम के अंदर। तो इस मामले में दोस्तों रियल क्रिकेट 20 बहुत पीछे हो जाएगा ग्राफिक्स के मामले में, और WCC3 बहुत आगे चला जाएगा। तो जो ग्राफिक्स का मामला है दोस्तों, यहाँ पर WCC3 जीत जाएगा रियल क्रिकेट 20 से। अब जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया दोस्तों वो ये है कि यहाँ पे कमेंट्री का पॉइंट मैंने डाला दोस्तों, और कमेंट्री के पॉइंट में दोस्तों आप लोगों को पता है कि WCC3 में आकाश चोपड़ा जी की कमेंट्री आने वाली है, मैथ्यू एडन सर की जो वहाँ पे कमेंट्री मौजूद है हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। तो ऐसे में WCC3 की जो कमेंट्री ना बिल्कुल एक अलग लेवल की होने वाली, प्रोफेशनल लेवल की होने वाली है। और रियल क्रिकेट 20 में जो है दोस्तों कमेंट्री तो अच्छी है बट इस तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे कमेंट्री नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों WCC3 की कमेंट्री यहाँ पे जीत जाएगी और रियल क्रिकेट 20 यहाँ पर हार जाएगा कमेंट्री के मामले में। अब जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया दोस्तों वो है गेम प्ले और कंट्रोल्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों रियल क्रिकेट 20 में आप जो है काफी आपका गेम प्ले के ऊपर कंट्रोल होता है, आप अपने पसंद से जो है एडवांस शॉट खेल सकते हो, आपके शॉट्स आप अपने पसंद से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इस तरीके का जो कंट्रोल आपको WCC2 में देखने को नहीं मिलता है। और अगर दोस्तों यही चीज सेम जो है WCC3 के अंदर भी इन लोगों ने कैरी करी, जैसे कि शॉट्स के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रहा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि रियल क्रिकेट 20 का जो गेम स्क्रिप्टेड होता है दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर जो है रन बनाने के लिए पीछे जाता है, थ्रिलिंग मैचेस होते हैं, आखिरी ओवर तक के मैचेस जाते हैं। तो रियल क्रिकेट 20 के जो गेम प्ले होते हैं बहुत ही ऑसम होते हैं, और अगर यही चीज दोस्तों WCC3 में मिस हो गई तो यहाँ पर रियल क्रिकेट 20 जीत जाएगा दोस्तों गेम प्ले और कंट्रोल्स के मामले। अब जो चौथा पॉइंट दोस्तों मैंने सिलेक्ट किया वो दोस्तों आईपीएल ऑक्शन है। आईपीएल ऑक्शन के मामले में रियल क्रिकेट 20 हमेशा से आगे रहा है WCC2 से। अब उसकी कुछ रीजन है दोस्तों, पहला रीजन है कि वहां पे रियल नाम यूज होते हैं, दूसरा रीजन है दोस्तों वहां पे प्लेयर्स को बहुत अच्छे से जो है रेटिंग दी गई है, और रेटिंग के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से बिट लगती है वहां पे आईपीएल ऑक्शन में, और गेम ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होता है तो टूर्नामेंट खेलने में बहुत मजा आता है आईपीएल ऑक्शन का रियल क्रिकेट 20 में। तो ऐसे में दोस्तों WCC2 में आईपीएल ऑक्शन तो है लेकिन इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाया था रियल क्रिकेट 20 के अगेंस्ट में। लेकिन अगर WCC3 के अंदर रियल प्लेयर के नाम नहीं यूज होते हैं, साथ में जो रेटिंग का वहां पे प्रॉब्लम आता है, बिट ठीक तरीके से नहीं लगा पाते, तो मेरे हिसाब से रियल क्रिकेट 20 का आईपीएल ऑक्शन यहाँ पे जीत जाएगा दोस्तों, और WCC3 का जो है आईपीएल ऑक्शन कुछ खास इंपैक्ट नहीं करने वाला है इस नए गेम के अंदर। पांचवा जो पॉइंट दोस्तों यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया दोस्तों वो यूनिक फीचर्स। तो यूनिक फीचर्स की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट समझ लीजिए, जो WCC2 के जो फीचर्स है और जो रियल क्रिकेट 20 में जो फीचर्स है, तो उसमें बस एक दो फीचर्स ही ऐसे आपको दिखेंगे जो दोनों में अलग अलग है, बाकी कुछ ज्यादा डिफरेंस दोनों गेम में नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट मल्टीमीडिया ही जो है WCC3 को बना रहा है, तो ऐसे में दोस्तों नए फीचर्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसमें एक फीचर है दोस्तों वीमेन्स क्रिकेट जो कि आपको रियल क्रिकेट 20 में देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों यूनिक फीचर्स के मामले में WCC3 यहाँ पर जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडवांस लेवल पे काम चल रहा है दोस्तों, नए फीचर्स यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों यूनिक फीचर्स के मामले में WCC3 जीत जाएगा। अब बात करते हैं ओवरऑल दोस्तों कि कौन सा गेम यहाँ पर ज्यादा इंपैक्ट करेगा 2020 में। तो मेरा प्रिडक्शन कहता है दोस्तों WCC3 जो है बीट कर देगा यहाँ पे रियल क्रिकेट 20 को और बहुत आगे निकल जाएगा, और यही मेरा प्रिडक्शन है दोस्तों। आप लोगों का क्या प्रिडक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर देना, आपकी कोई राय होगी एडवाइस होगी तो कमेंट सेक्शन में वो भी आप बता देना, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। हम मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।